डाल दूंगा मुझे भी नहीं पता। और पानी का फ्लो क्या फाउंटेन तेज फ्लो है इधर, तो इधर पता नहीं हमको डैम का पानी छोड़ रहा है यहाँ से घुस के जा रहे। क्या फंडा जैसा बना है अरे कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे, खड्डा बहुत डेंजर है। चल निकलते नहीं नहीं मैं पहले भाग के जाए भाई। वहाँ पे कोई रास्ता जाता है और पानशेत को भी जाता है, तो पानशेत अभी यहाँ से बस 17 किलोमीटर हो जाए, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन मैप पे भाई बहुत टाइम दिखा रहा था, ऐसा क्यों मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैप पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था जाने को पानशेत को। ऐसे सिंहगढ़ होगा 53 किलोमीटर तो होगा पानशेत, 53-55 किलोमीटर पानशेत होगा। काम चल रहे हैं तो आपके उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि रोड काम जब चलता है तो भाई ध्यान नहीं रहता लोगों का। अगर आप रात में से यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत स्लोली और ध्यान से ट्रैवल करना पड़ेगा। और यह पूरा माउंटेन एरिया है, तो माउंटेन एरिया में घूमने का भी मज़ा अलग आता है। काश भाई यहाँ पर बारिश होती, काश। मैं बहुत टाइम बोलता हूँ बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि भाई बारिश होनी चाहिए। जैसे गाड़ी झूल जाने का मन करता है गाड़ी, बस इतनी भी नहीं झुलानी कि भाई नीचे गिर जाए, लिमिट में झुलानी है गाड़ी। और यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन जंगल है भाई, ऐसा लग रहा है नहीं यहाँ पे समर चल रहा है, यहाँ पे तो अच्छा खासा भाई ग्रीनरी है। ओ भाई क्या टर्न है, मस्त ऐसे नज़ारे कहाँ देखने मिलते हैं भाई। पुणे में तो मैंने बहुत दिन हो गए ऐसे नज़ारे देखे हुए, और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है क्या? ओ जिगज़ैग टर्न है आगे, ठीक है भाई, यही तो चाहिए था हमको जिगज़ैग टर्न। शायद मुझे लगता है डैम आ चुका है, पारा पे खोजने का काम चालू है। हेलमेट में पता नहीं चलता ना भाई स्पीड कितनी है आपकी, तो चलाने में मज़ा आता भाई गाड़ी, स्पीड नहीं जब पता चलती तब। इंसानियत के दुश्मन स्पीड ब्रेकर, इंसानियत का दुश्मन है भाई ये स्पीड ब्रेकर। पानशेत देखो भाई, सिटी 36 पानशेत 8.5 बोलते बोलते भाई लवासा कोई पहुंच गए लगता है हम। लवासा राहिलो 35 किलोमीटर आए। ओ हवा बहुत ज़्यादा आ रही होगी, मैंने वाइजर खुला रखा था तो मुझे बोल रहा था कि नदी है या डैम, वही समझ में नहीं आ रहा, आगे जाके समझेगा नदी है डैम है। चलो अभी इतनी दूर आए हैं पानशेत को, देख लेंगे लवासा भी चले जाएंगे, इतना क्या सोचना है उसमें। काय विषय आला रे, हा गाव रे काय विषय, हा आग विक लागली म्हणलं, दरवाजात कशी आग लागल म्हणलं, आणि त्याच्यात प्लॅस्टिक काय नाही ते सगळं लोखंड आहे भाई। इन्होने पूरा रस्ता ही घेतले, कितने सारे मुंजी आहे भाई। यहाँ तो पूरा खाली है भाई, ठीक है पानी भी नहीं रोक लिया है कि इधर, तो लगता है पानी ही रोक के होगा। अभी इतनी धूप लग रही है, पानी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, थोड़ा पानी भर लिया, मेरे को पानी पीना है, कहीं ठंडी में जाके पानी पीते हैं। यहाँ पे एक छोटा ले लिया था हमने, लेकिन भाई जब रुके
भाई क्या गर्मी लगने लगी भाई, सीट भी इतनी गर्म हो गई, ऐसे मेरा चटका बैठा मेरे को। अभी तरह गाड़ी चलने लगी, हवा लग रही तो अच्छा लग रहा है। ये आ गया अभी वर्ल्ड का उदाहरण, हवा से सिटी 27 किलोमीटर्स। एक बार धर्म में देख लेंगे, पानी तो है यहाँ पे और वो भी अच्छा खासा, क्या साफ पानी लग रहा है, सब नीचे सा दिख रहा है। खड़क वास्ता धरन, अच्छा वो वापस जाने बोल रहे हैं, लवासा सीधा पुणे 41। ये देखो भाई कितना पानी है भाई, पानी ही पानी। ये देखो पानसेट डैम आ गया, आपको देखिएगा ऊपर जाने को पीछे से शायद रास्ता था मुझे लग रहा है। खड्डा यहाँ पे भाई पानी को फ्लो देखो, अभी 2 मिनट रुके, ये खड़क वास्ता डैम है और पानी का फ्लो क्या फ्लो है भाई, इतना तेज फ्लो किधर रहता है। अगर मैं यहाँ फ़ोन इसमें गिर गया तो समझेगा भी नहीं, इतना तेज़ फ्लो है इधर तो। और यहाँ रुकता भी नहीं होगा पानी, इतना तेज़ पानी बह रहा है। यहाँ डैम है देखो, खड़क वास्ता डैम आपको दिख रहा होगा, ये खड़क वास्ता डैम है। लगता है डैम का पानी छोड़ दिया है इसलिए इतना तेज़ी से यहाँ बह रहा है। मरवट्टे गौरे पानी छोड़ ले, आपका पानी छोड़ ले डैम से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो उसके लिए रास्ता है। ऑल आउट तो नहीं है यहाँ जाना, तो वापस ही चलते हैं आगे देखते हैं। पीछे से एक रास्ता था शायद जाने के लिए, भाई वही रास्ते पे जाना पड़ेगा शायद। आपको ये खाली पुल दिख रहा है, इससे आपको लेफ्ट टर्न लेना है पानसेट डैम के लिए। तो हम आगे चले गए थे, वापस आ गए, अभी यहाँ से अभी ऊपर जाते हैं पानसेट डैम के लिए। यहाँ से 1 किलोमीटर है वरसगाँव धरन, फिर है पानसेत, तो अभी हम जा रहे हैं पानसेत को। वरसगाँव भी जा क्या ही जाते हैं, क्या करते हैं, इतना आए तो भाई जाएंगे। अभी काफ़ी ऊंची चढ़ाई है यहाँ पे भाई, आपको काफ़ी ऊंचा चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ फूड भी है, ये क्या है, जल सागर रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ पे बनाए गए। यहाँ तो ऐसा लग रहा है मैं गोवा आ गया हूँ, गोवा की वाइब आ रही है मुझे यहाँ। टूअर्स डैम यहाँ जा सकते, धरन कुठे बगा, इकड़ भेट का बगा, इकड़े हॉटेल बोटिंग आहे का, आणि धरण बघायचं असेल तर तिथं ते छोटंसं पांढरं दही लावलं, ते सोडत नाहीत का, असं कुठली जागा जिथं दिसत नाहीत नाही बोटिंगला, काय बोटिंगला काय चार्जेस आहेत 150 पासून। तो हमें पीछे से ही देखना पड़ेगा, यहाँ पे बोटिंग वगैरह है, तो आप यहाँ पे आके बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। डैम तो अभी देखने को नहीं छोड़ रहे हैं, देखते हैं गाड़ी बाहर लगा के छोड़ते हैं या नहीं, चेक तो करके आते हैं। अच्छा इकडे रस्ता आहे का, अरे कुठे रस्ता आहे, यहाँ पे भाई गाड़ी लगाई मैंने पीछे। यहाँ से पानसेत डैम की एंट्री है, देखने को तो छोड़ रहे नहीं, यहाँ से साइड से एक रास्ता है, यहाँ से देखते हैं जाके क्या है नीचे। अब हम डैम में घुसे हैं भाई, इधर पता नहीं हमको लोग हैं भी या नहीं, लेकिन जा रहे भाई। कौन है क्या इधर, डिश वगैरह लगाए ला, लेकिन मुझे लगता है बंद है शायद, कोई नहीं दिख रहा मुझे यहाँ वहाँ पर। और सिर्फ हम ही है क्या यहाँ, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। यहाँ देखो भाई सब खंडर जैसा पड़ा है, कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ से डैम का नजारा देखिएगा, ये देखो भाई क्या लग रहा है डैम, मुझे लगता है डैम का पानी छोड़ा है यहाँ से, यही पानी आपको अभी नीचे दिखाया था हमने, वहाँ पानी बहते हुए। और ये बीच में खाम क्यों खड़े किए भाई, और अभी ये नहीं वो खाम, ये खाम का क्या करते हैं वो देख, आज आगे बढ़ने और यही पकड़ के कहते मिर्जापुर में अल्लाह डाले, यही पदक के चोट देंगे कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ दोस्तों इकड़े यहाँ इकड़े आत मे खंडर जरा एक्सप्लोर करू, भूत भी देखे यहाँ, चेक कर लेते भाई, अगला कोई आएगा तो समझेगा नहीं ना भाई, हम तो भाई इन्वेजन ही इन्वेजन कर रहे हैं सब जगह, किधर भी घुस के जा रहे। क्या खंडर जैसा बनाए, अरे डर लग रहा मेरे को तो इधर।
यहाँ पे उन्हीं पे उनके लॉक है यहाँ पे खाट बीट मस्त है कौन तो सोने को आता रहेंगे यहाँ। चलो आगे जाके देखते कौन है क्या है कैसा है ध्यान देखने आए भाई देख के ही जाएंगे रिस्क लेंगे भाई रिस्क है तो रिस्क है पुन वायरल आला छोड़ला आपल्याला भाई भाई यहाँ पे व्लॉग निकलने को तो आ गए भाई चोरी चोपे अभी एक इधर आपने धर लिया तो क्या अरे क्या है गड्ढे में पानी दिख रहा है नहीं पानी नहीं माकस भाई आते तो सामने तो खोले भाई भाई खोल कितना है देखो और कैसे समझाऊं मैं आपको कितना खोल है यहाँ से नीचे पूरा भाई डैम के ये देखो यहाँ से पूरा माउंटेन भी दिख रहा है और पानी किधर था और किधर आ गया इतने ऊपर पानी आता होगा वो देखो वो जो इसकी हाइट है ना उतना पानी आता होगा लेकिन अभी कितना हो गया बहुत कम हो गया है पानी कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे आगे जाके देख के आते क्या है आगे भाई मोटर वगैरह रहेंगे और यहाँ से एंट्री होती है वहाँ तक जाती है एंट्री इसकी इधर रखा भाई कैमरा नहीं होगा लेकिन यहाँ कैमरा है और लेकिन ये खड्डा बहुत डेंजर है भाई नीचे तक गया है भाई ये देखो यहाँ पे कैमरा लगा है ऊपर इसका तो डर ही लग रहा है मेरे को पुलिस हमको पकड़ने को आने वाली है अभी गौरव तेरे को पकड़ के लेके जाएगी तेरे पे और एक गुना दाखिल होगा नहीं भाई मेरे को पकड़ के लेके जाएंगी मैं तो डायरेक्ट अभी नीचे तेरे को कोमड़ी करके बिठाएंगे बोलेंगे कोमड़ी बन जा फिर पानी फटके देंगे फिर भाई चल निकलते नहीं नहीं मैं पहले भाग के जाएंगे भाई मैं मेरा हेलमेट उसके सिर पे मारूंगा और भाग के जाऊंगा कलर ग्रेडिंग एंड थोड़ी सी इफेक्ट आ गई तो गाइज ये है पानशेत डैम यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम अंदर से एक्सप्लोर तो कर दिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया था भाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गए थे अभी हम तो अंदर तो नहीं छोड़ रहे और पीछे अगर आगे जाओगे यहाँ से तो आपको बोटिंग वगैरह कर सकते हैं आप जाके वहाँ पे अभी बाहर आने के बाद मुझे ज़रा अच्छा लग रहा है भाई नहीं तो इतनी गर्मी लग रही थी ना वहाँ पे भाई क्या बताऊँ अभी मुझे हवा लग रही है ना हाथ और ये छाती में तो ज़रा अच्छा लग रहा है भाई नहीं तो अभी तक मैं ऐसे झुलस रहा था गर्मी से और अंदर भाई कोई भी नहीं था कोई भी लेकिन बैठने के लिए इतनी मस्त जगह है ना भाई पानशेत भाई बहुत सही जगह है बहुत मज़ा आया भाई वहाँ पे घूम के और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे आके रेस्टोरेंट में आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं यहाँ पे घूमने आ रहे हो तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे भाई बहुत डेंजर अगर यहाँ से सीधे गए तो सीधे सीधे पानी में ही जाएंगे यहाँ से दिख रहा है देखो भाई खड़क वसला डैम अभी हम वहाँ से गए थे वहाँ पे थे अभी वह यहाँ से घूम के वहाँ पे आए थे सक्सेसफुली इन्वेडेड ऐसे ब्लॉग अगर आपको चाहिए तो बताना हमें यार ऐसे खूफिया जगह नहीं तो भूतिया जगह हम जाते रहेंगे फिर बार बार चलो कोई एक भूतिया जगह ढूंढ लेंगे वहाँ चले जाएंगे भाई एक स्पेशल ब्लॉग वही के लिए बना देंगे ये देखो यहाँ से दिख रहा है भाई खड़क वसला और यहाँ पे इसका क्या बोलते बिजली भी यहाँ तैयार की जाती है इसके पानी से खड़क वासला के खड़क वासला बोल रहा हूँ यार मैं सॉरी सॉरी भाई पानशेत डैम है ये पानशेत डैम के जो पानी है उससे भाई बिजली बनाई जाती है नीचे आपने फ्लो देखा होगा एक साइड से फ्लो से पूरा इसका पानी भाई ख़त्म होने को आया है अभी जब बारिश होगी तब भरेगा जब भरेगा ना तब देखते हैं भाई पुणे यहाँ से 43 किलोमीटर मतलब हम 50 किलोमीटर दूर आए हैं अभी पुणे से अभी 50 किलोमीटर वापस जाना है यहाँ से थोड़ा तो पेट्रोल बचा ले भाई इतना ढला है थोड़ा बचाने का अभी यहाँ से गाड़ी अभी नीचे लेते हो ABS भाई हेल्प करना उतार दे भाई उतार दे मुझे लगा नहीं उतर पाऊँगा तो ये पानशेत का पानी है यहाँ पे और नीचे नहीं जाएगी यही लगा देते थोड़ा थोड़ा ही बह रहा है इतना पानी तेज नहीं बह रहा यहाँ से निकलते हैं गाइस ऑफ रोडिंग थोड़ी होने वाली है यहाँ पे क्या गाड़ी ऊपर चढ़ पाएगी भाई इसको बोलते हैं टैलेंट
ना अगर बारिश होती ही होती ना पर यहाँ पे आप नज़ारे बहुत एंजॉय कर सकते थे, बस बारिश होनी चाहिए थी। ये देखो ये यहाँ से बह रहे, हमको पता नहीं चल रहा था पानी कहाँ से जा रहा है, पानी यहाँ से जा रहा है सर। चलो आए टर्निंग वाले रास्ते, मज़ा आएगा यहाँ पे गाड़ी चलाने को। वापस इंग्लिश चालू कर दो क्या बोलने को, इंग्लिश बोल दिए मैं मज़ा आता था कभी। समर टाइम आई थिंक मानसून इज कमिंग सो इट्स गुड थिंग सो वी कैन नाउ ट्रैवल। एंड द रीज़न आई एम टेकन दिस कैमरा, द रीज़न आई परचेज दिस कैमरा इज बिकॉज मानसून इज कमिंग एंड आई एम ट्राइंग टू डू ट्रिप्स इन मानसून। ओ द गोड्स वी सॉ बिफोर। ओ नो 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 माय टायर जस्ट गॉट इनटू शिट, टू मच शिट। वी आर गोइंग बैक टू पुणे, वी कंप्लीटेड आवर जर्नी, वी वॉच्ड पानशेत डैम एंड कडपासला। आई नेवर कम टू पानशेत डैम बिफोर सो दैट्स व्हाई आई केम टुडे एंड आई सॉ द पानशेत डैम। एक्चुअली द पानशेत डैम वॉज क्लोज, that's why we entered in restricted area, that's why the thumbnail is like that. It's not restricted area but it's closed and still we entered in it and enjoyed our little adventure. It's like adventure for us, we enjoyed our adventure there. We don't know how dam works, that's why we don't go further. हम आगे भी जा सकते हो लेकिन वी डोंट डू दैट, वी डिडंट डू दैट, इट्स स्केरी एंड इट्स नॉट गुड। देर वॉज कैमराज देर और कैमरे में अगर हम कैप्चर हो जाते तो बाय, फिर तो बाय वी गेट अरेस्टेड फॉर दैट। I think we get arrested for trespassing. We trespass the government zone, I guess. And we saw one note like we can't fly drone over there. When we go to the power plant where hydropower plant is located, there was a sign that says we can't fly drones here. So keep in mind that don't use drones or fly drones near dam. मैं भी ध्यान रखूँगा कि भाई ड्रोन नहीं उड़ाना। और जो हम ट्राई कर रहे हैं वो आप ट्राई मत करो, हम लकी थे भाई वहाँ पे कोई नहीं था, अगर कोई होता तो पक्के हम पकड़े जाते, तो इस बात का भी ध्यान रखो भाई। तो यहाँ से आप राइट लेंगे तो यहाँ से सीधा रास्ता सिंहगढ़ के लिए जाता है। असला पहुँच चुके हैं अभी, हम अभी गए थे लेकिन जितना तेज़ हम गए थे जाते वक्त उससे भी तेज़ भाई आते वक्त आए, बहुत जल्दी पहुँच गए। मुझे तो लगा भाई पाँच छः पहुँचने को बहुत टाइम लगेगा, लाओ ऐसे थोड़ा बोल ऐसे। तो यहाँ से पहले मेन रास्ते से जाते थे, एक बार हम रात में यहाँ पे आए थे भाई, कुत्ते हमारे पीछे लगे थे
अभी आते हुए भाई ऊपर के साइड से आ रहे थे, अभी नीचे के साइड से जा रहे हैं। यहाँ पे सीमेंट का रोड का काम चल रहा है इसलिए शायद बंद कर दिया है यहाँ। तो क्या भाई शॉप्स तो सभी बंद ही है क्योंकि गुनाहरा ही नहीं होगा। अभी हम आए तो है सही लेकिन गाड़ी अच्छा चालू है कि नहीं मालूम नहीं। शे येईल का भाई? हां जाते जाते इकडं आतनं रस्ता आहे का? वरतून नाही वाटतं इकडं आपलं पुणे रस। हां ये लोकल्स ने हमको एक अलग रास्ता बता दिया, वो अलग रास्ते से जाते हैं। रिक्शा चेत ना? ओके। ओ माय गॉड मेरा साइलेंसर लग गया। यहाँ से अंदर से रास्ता है एक भाई। ओ अंदर के रास्ते से आ गया हम अभी। नांदेड़ सिटी, नांदेड़ सिटी मतलब यहाँ की सबसे फेमस कंस्ट्रक्शन साइट है, मैं तो बोलता हूँ सियर चौक। यहाँ पे पहुँच गए पुल उतरा जस्ट हमने, पुलिस से आगे भाई इसलिए ध्यान रखना पड़ रहा है, पीछे नंबर प्लेट नहीं है अपने गाड़ी को। ओके वो जो ब्रिज जा रहा था वो भाई नरे को जा रहा था, अगर आपको नरे को जाना है तो वो ब्रिज के नीचे से जा सकते हैं। ओके खुल गया सिग्नल, लेट्स गो। क्या पुलिस हमें धरेगी? मुझे नहीं लगता। ओ बहुत जनों को रोका है यार, लेकिन हम बच चुके हैं भाई। छूटिए लोग, पहले रास्ता छोटा है उसमें भी बीच में लगा रहा गाड़ी। फैन चालू नहीं हो रहा और इंजन गर्म हो रहा है, पूरी हवा मेरे घुटनों पे और मेरे पैरों पे आ रही है। नीचे तो पूरा गर्मी गर्मी लग रहा है यहाँ पे पैरों के, क्या बोलूँ। ऊपर से ये धूप, बहुत हीट वेव्स फील हो रही है मुझे भाई। अभी तो बस भाई 50 किलोमीटर गए, 50 किलोमीटर आए, लेकिन भाई ऐसा दुख रही है ना भाई, क्या बोले भाई। दिया था इंडिकेटर, दिख रहा नहीं था, क्या करें अभी। पहले बम दुख रहा है भाई, हाथ भी दुख रहा है, हाथ तो लाल ही पड़ गया मेरा पूरा, वाट लग गई भाई बम। यहाँ से अभी बीच में से रास्ता ही कराए गौरव, यहाँ से चलते हैं भाई। मसल स्ट्रेच करने के रुके हैं, मेरा हेलमेट भी इतना हेवी हो रहा है ना भाई कैमरे की वजह से, क्या बताए भाई। अरे बसून बक्की थोड़े वे बसून दुखत भाई, ते मागचं तर दुखणारच, मागचं तर विषय सोड, पण पुढचं भी दुखत आहे, पुढचे नाही पुढच्या सीटवर। असं व्यायाम करावं वाटतंय भाई, मेरा पूरा शरीर आकड गया। अरे भाई एक आणि एक बॉडी पडा असं हलते मोस्ट सगळं स्ट्रेच होतं ते ॲस मारले झालं मग संपलं कात्रज पी एम टी ही कॉलेजला जायची बस आहे माझ्या। हां हे बस आहे भाई, मी कॉलेज जात होता एक समय पे, लेकिन मी अभी गाडी पे जाता हूँ, मेरी प्रगती हो गई। पे करण का ऑफिस है, वहाँ से अभी आ रहे थे उसको अभी वापस भेजा है, उसकी वापस एंट्री ले लेंगे, अभी आ रहे देखो यहाँ से। अरे करण भाई आ गए, द वर्क क्लास वर्क हो ले करण वापस आ चुके हैं हमारे सीन में। क्या चल रहा है आपका? कुछ नहीं, करण का चैनल वापस आ गया, अभी करण भी वापस फॉर्म में। फेक सब्सक्राइबर है उसके? नहीं नहीं रियल सब्सक्राइबर है, वीडियो डाल डाल के इतना वीडियो डाला था कि भाई 10K हो गए। मैंने अभी तेरा प्रमोशन कर दिया है मेरे चैनल पे, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। और नहीं नहीं मेरे सब्सक्राइबर को बताओ आपका चैनल किस बारे में है, मेरा फ्यूचर में अभी वो नहीं। हाँ ब्लॉगिंग भाई, ट्रैवल ब्लॉगिंग, मैं भी अपने भाई के साथ ही ट्रैवल ब्लॉग निकालूंगा। यही मैंने बताया था, आईटी छोड़ के भाई ये करेगा। ऐसे नहीं क्या
देखो भाई घंटी की तरह गर्म हो चुकी है। अभी रस पीने के लिए यहाँ पे आए भाई, यहाँ पे जंबो ग्लास मिलता है वो रस पीएंगे यहाँ पे, तब तक गाड़ी को आराम मिलेगा। भाई मेरी वायर भी कहाँ फंस गई थी, तो मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक तो इसमें चिपक जा रही वायर। जंबो अभी पी, ओहो जंबो क्यों की था, कितना बड़ा ग्लास है, हाथ में दाखो और एक और मोटे हाथ जा सकता हाँ कर दे लो।